नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर द आरएमएस एग्ज़ाम। एकदम पास है, 17 दिसंबर को आरएमएस का पेपर है। पैनिक वाली सिचुएशन बच्चों के अंदर होगी, ओके, उसी को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए, उस फियर को ओवरकम करने के लिए मैं आज आपके लिए एक लास्ट मोमेंट टिप्स वाला वीडियो लाया हूँ। मेरा नाम है सूरज आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लास्ट मोमेंट टिप है तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो के बीच में एक मैं सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ओके। तो आपके एग्ज़ाम को के लिए बेनिफिट भी देगा वो, आप इस वीडियो को इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये मैं जनरली आरएमसी के एग्ज़ाम के लिए भी मैंने बात करी थी। देखिए, एग्ज़ाम पास है, एग्ज़ाम डे में बेसिकली आपको अपने सेंटर का आइडिया होना चाहिए कि वेर इज़ योर सेंटर। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट देयर एडमिट कार्ड्स, ज़्यादातर बच्चों के पास एडमिट कार्ड्स उनके पास आ गए। अपना सेंटर पहले से जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने सेंटर पर ना जल्दी पहुँचना पड़ेगा। 7:30 का रिपोर्टिंग है बेटा, 7:30 की रिपोर्टिंग है, 7:30 AM इन द मॉर्निंग। अब 7:30 की रिपोर्टिंग है तो मेरा मानना है कि 7:15 तक तो आप अपने सेंटर में पहुंच जाएं, ओके, ताकि वो जो स्ट्रेस बच्चे का जनरेट होता है ना, अगर वो लेट हो जाए, वो बेसिकली बच्चे उसको अवॉइड कर सकें, ओके। तो इसलिए उस लेट होने के स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए टाइम से पहुंचना, और टाइम से पहुंचने के लिए यू शुड नो, योर पेरेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर, ओके, और आप भी एक बार विजिट कर लीजिएगा ताकि उस पर्टिकुलर डे आप एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा पहले पहुँचें, ताकि बच्चे स्ट्रेस में ना आए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके उनके एग्जाम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है, यू हैव टू कैरी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ नहीं है, ओके, या सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो ज़रूर अपना आधार कार्ड साथ में कैरी करें, ओके। एडमिट कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना एडमिट कार्ड के वो आपको एंट्री नहीं देंगे। जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, साथ में आधार कार्ड भी कैरी करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि वहीं से वो वेरिफिकेशन देखेंगे आपकी फ़ोटो एंड ऑल, ओके, डिटेल्स चेक करेंगे। सो एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड होना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी रख लीजिएगा उसका। सो यू शुड कैरी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, साथ में जो भी ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू फिल OMR शीट, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको कॉमेंट में, पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, ठीक है, एज अ पिन कॉमेंट, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दैट यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब ये मैं आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये अब RMC वाला एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर यू विल गेट द शीट्स एंड इट्स सब्जेक्टिव, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये OMR शीट आपको मिलती है, ठीक है। मैंने अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है अबाउट द OMR शीट। एक आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक है, जो एक कंप्यूटर, एक मशीन इवैल्यूएट करेगी। तो उसमें अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, ओके, तो बेसिकली आपका वो जो OMR शीट है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाएगी, वो कॉपी इवैल्यूएट नहीं होगी, ओके। सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन। सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। एक एक पॉइंट में अगर इतना सा भी डाउट हो तो इनविजिलेटर से पूछ के ही आप लोग उन सर्किल्स को फिल कीजिएगा, ओके। इनविजिलेटर से पूछ कर ही कोई भी आप आगे कदम उठाइएगा अगर आपको इतना सा भी कन्फ्यूजन है, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर का कोड हो, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, किस तरीके से फिल करना है, नाम के नीचे कैसे बबल्स आपने या सर्कल्स को फिल करना है, आंसर्स को कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। इनविजिलेटर से पूछ लीजिएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट, अदरवाइज जो मैंने वीडियो डिटेल्ड बनाया उसको तो आप ज़रूर देखिएगा, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू गेट एन OMR शीट, और OMR शीट एक मशीन, एक कंप्यूटर इवैल्यूएट करता है, कोई इंसान इवैल्यूएट नहीं करता, तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली का मतलब है 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। इस 2.5 घंटे के पेपर में आपको मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी है बच्चों की, साथ साथ बच्चों के GK भी है, 9th वालों की हिंदी भी है। तो बेसिकली मैं बच्चों से कहता हूँ कि पहला आप GK को फोकस करो, फिर आप इंग्लिश को फोकस करो, फिर आप इंटेलिजेंस को फोकस करो, और लास्ट में आप मैथ्स को फोकस करो। मैं ये मानता हूँ कि लास्ट में मैथ्स के लिए आपके पास 1 घंटा बच जाना चाहिए। तो जो 1.5 घंटा है ना, आप वो यहाँ एलोकेट करो जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। GK में आता है यू विल डू डायरेक्टली, देर इज़ नो नेगेटिव मार्क, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। GK वाला पोर्शन पहले कीजिएगा,
फिर फॉलोड बाय इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा लॉजिक लगाने का या कैलकुलेशन करने का आपको कोई स्कोप नहीं रहता, तो इनको पहले कीजिएगा, इनमें कम टाइम कंज्यूम होगा। लास्ट का 1 घंटा आपके पास बचा होना चाहिए मैथ्स के लिए, मतलब 15 मिनट और एक्स्ट्रा मान लीजिए, 1 आवर 15 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट तो आपको सर्कल को फिल करने में भी लगेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर 9th वाले बच्चे हैं तो वो हिंदी को ऊपर प्रेफरेंस देना, क्योंकि उसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। सोशल साइंस, साइंस, उन पोर्शन को पहले कीजिएगा, ठीक है, और मैथ्स वाले पोर्शन को क्लास 9th वाले भी लास्ट में करेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू मैनेज योर टाइम, क्योंकि 50 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, और 50 क्वेश्चंस को करने में 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। अगर बच्चा ऑन एन एवरेज 1 मिनट भी, मैं मानता हूँ बेस्ट टाइमिंग उसकी 1 मिनट हर एक क्वेश्चन में वो दे रहा है, तो 50 मिनट्स तो यही हो गए, एंड डेफिनेटली किसी क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 घंटा तो बच्चों को लगेगा उन 50 क्वेश्चंस को करने में, जो बच्चा एकदम एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको एज इट इज़ लीव कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। साथ ही साथ आपसे ये भी कहूँगा कि लास्ट में टाइम कम बचा हुआ है, कुछ सर्कल्स बच गए हैं जो आपने फिल नहीं करे तो उनको फिल कर दीजिएगा, बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। चलिए अगला पॉइंट क्या है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू स्टे काम एंड फोकस्ड, ओके। क्यों कहता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा पैनिक कर रहा होता है, क्योंकि पेपर है बच्चे का, और ऐसे में कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो वैसे ही बच्चा और घबरा जाता है। तो मैंने बच्चे को RMC के एग्जाम में भी बताया था कि डीप ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस, ओके। तो लंबी लंबी सांसें लीजिएगा, 4-5 लंबी लंबी सांसें लीजिएगा, और फिर उस क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा अच्छे फोकस के साथ, एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट, ओके, गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट, बस मैं बोलता हूँ गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स इट, देन लीव इट टू गॉड। अपना बेस्ट शॉट दो और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको आंसर सही लगे उसको मार्क करके आगे बढ़ो, दैट्स इट, ओके। तो यू हैव टू स्टे काम, शांत रहना बहुत ज़रूरी, तभी दिमाग प्रॉपरली काम करेगा, एंड तभी आप फोकस कर पाओगे जब शांत रहोगे। इंसान जब शांत होता है तभी फोकस कर पाता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस के अंदर कभी भी फोकस नहीं किया जा सकता, तो याद रखना इस चीज़ को, ओके। दिस इज द की टू सक्सेस, यू हैव टू स्टे काम, लंबी लंबी सांसें, ओके। अब ये एक बोनस रिवॉर्ड हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, देखिए अभी भी थोड़ा सा समय बचा है RMS के एग्जाम के लिए, ओके। तो आप एक काम कीजिएगा, एक प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक मॉक पेपर देंगे RMS का, और साथ ही साथ ये OMR शीट भी देंगे, ताकि आप इसका प्रिंटआउट निकाल के उसको एज इट इज़ कर लें। लेकिन हमें कमेंट आपको करना पड़ेगा, आप कमेंट में हमें मॉक RMS एग्ज़ाम करके लिखिए और 6th और 9th मेंशन कीजिएगा, ओके। तो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आप हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर संपर्क कीजिएगा, तो आपको हम PDF फॉर्मेट में ये दोनों चीज़ें देंगे जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बोनस रिवॉर्ड है जो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने एस्पिरेंट्स को दे रहे हैं, ओके। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा, क्योंकि OMR भरना आपको आ जाएगा, ठीक है, एंड साथ साथ एक पेपर का एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। आई नो कि बच्चों ने बहुत सारे मॉक पेपर्स दिए, बट डेफिनेटली दिस मॉक पेपर इज ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट यू अलॉट, ओके। चलिए अगले कुछ और इंपॉर्टेंट एडिशनल टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैंने RMC के एग्जाम में भी बताया था दैट हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो एग्जाम पास है, बच्चे बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे सर हम, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज अवॉइड कर रहे हो तो, लेकिन डाइट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। 7:30 बजे की रिपोर्टिंग है सुबह, 7:30 बजे का मतलब है कि कम से कम 6 बजे तो आप उठ जाओगे तैयारी के लिए। 6 बजे उठने का मतलब है सुबह 6 बजे फ्रेश भी होना पड़ेगा आपको, इसका मतलब है रात को 8 बजे, एक दिन पहले 8 बजे तक आपका खाना पीना सब हो जाना चाहिए, वो भी लाइट खाना विथ लॉट्स ऑफ फाइबर, ताकि सुबह प्रॉपर फ्रेश हो सको। कुछ ऐसी चीज़ें मत खा जाना हैवी कि सुबह फ्रेश नहीं हो पाओगे, फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ कि पहले से ही आप उसको मेंटेन करो डाइट को, ठीक है। हैव लॉट्स ऑफ फाइबर इन द डाइट, फ्रूट्स फाइबर ज़्यादा लो, ताकि आप सुबह बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश हो और एग्जाम एकदम बेस्ट दो, ओके। हो सके अगर आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलरली तो उस दिन भी कर लेना, वो आपको बेनिफिट ही देगा, ओके। आपको बेनिफिट ही देगा, कोई बुरा नहीं करेगा अगर आप एक्सरसाइज करोगे, बिकॉज वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। एक्सरसाइज करने से होता क्या है, जो स्ट्रेस है ना वो दिमाग से चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपसे ये भी कह दूं कि पॉजिटिव और मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कभी कभी इतने नर्वस जाते हैं लास्ट मोमेंट में कि उनका एग्ज़ाम नर्वसनेस की वजह से ख़राब जाता है। सो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी है ना काम कर जाएगी, 50% काम तो वही कर जाएगी। ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपने ऑलरेडी तैयारी अच्छी खासी करी है। अब इस लास्ट मोमेंट में नर्वस या स्ट्रेस होने का क्या फ़ायदा, तो स्टे मोटिवेटेड, खुद से बोलो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आई जस्ट हैव टू परफॉर्म, दिस इज़ माई अ काइंड ऑफ एग्जाम, सो आई हैव टू गिव माई बेस्ट, एक एग्जाम ही तो है, ओके। आगे बहुत सारे और रास्ते भी हैं, अगर आपको आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है तो ये तो RMS तो एक स्कूल है, देर आर अदर स्कूल्स ऑल्सो अगर इसमें नहीं होता, एंड देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम इन योर लाइफ, ओके। तो ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है, बी वेरी पॉजिटिव
ओके एंड गिव योर बेस्ट शॉट ओके, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो आप लेकर आओगे वहां से, ठीक है, एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतर मिलेगा आपको, और आप छोटे बच्चे हो तो एक्सपीरियंस तो आपके लिए बहुत कमाल की बात है। एंड फाइनली मैं आपसे कहना चाहूँगा, सीक सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए जब फैमिली मेम्बर साथ में होते हैं ना तो बहुत सपोर्ट मिलता है। जो मोटिवेशन वाली बात मैंने करी थी ना, फैमिली से बहुत मिलती है ना, पापा कंधे में हाथ रख दें बेटा गिव योर बेस्ट शॉट, वहीं से मज़ा आता है। दोस्त का फ़ोन आ जाए, ठीक है, कि गिव योर बेस्ट शॉट, अच्छे से देना, हम आपके साथ हैं या हम तेरे साथ हैं, तो वहीं से कहानी आपकी ना बन जाती है, एक 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 मोटिवेशन, एक माइंड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फैमिली और फ्रेंड्स का अगर साथ हो तो वो और भी अच्छी बात होगी, उनसे बात करते हुए जाना, पेरेंट्स के पैर छूकर जाना, ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिविटी को ही इन्हेंस करेगा और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पे ज़रूर इम्पैक्ट डालेगा। ओके फाइनली आप एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि जो RMS का एग्ज़ाम है उसके लिए कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन, एक समर्पण चाहिए, ओके, मेहनत चाहिए। मुझे पता आपने मेहनत करी है, बहुतों के अंदर डेडिकेशन भी है, ओके, बस यू जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, डेफिनेटली आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं भी होता है, तब भी आप एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकल रहे हो तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मिला ना आपको एग्जाम देने का। आप 2.5 घंटा बैठे, आपने स्ट्रैटेजी बनाई कैसे करूंगा एंड ऑल, OMR शीट भरी आपने, रेस्ट लीव इट टू गॉड, हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर्स को, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट स्टे पॉजिटिव, मुस्कुराते हुए बाहर आओगे, पेरेंट्स भी देखेंगे, उनको लगेगा वाई आर माई माई सन हैज़ गिवन या माई डॉटर हैज़ गिवन इज बेस्ट शॉट, ओके, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट शॉट देना है एंड देन लीव इट टू गॉड, उसके बाद डिस्कशन बाद में करेंगे, ओके। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया लेटेस्ट स्टेजेस में, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून एंड जय हिंद।